और अब आपको ये उठ गया, मतलब दो टाइम्स आपको यहाँ भी लग रहा है, तो मतलब सेम रिस्क से ज़बरदस्त भाई जो चीज़ है 24 आवर क्लॉक, ये सिर्फ नए वेरिएंट्स में 12 आवर क्लॉक कर दो, टाइम तक मैनुअली सेट कर सकते हो। तो जिनको बहुत इशू होता है सब चीज़ें मैनुअली सेट हो रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी चाहिए हमारे को। बात करते हैं और इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा उससे ज़्यादा आई डोंट नो, बट इसमें वो लैग देखने को नहीं मिला मुझे, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ एक और बताऊँ, इसमें आपको एनिमेशन ऑन, मतलब आप क्लोजिंग और ओपनिंग का भी एनिमेशन मिलते देखो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एस टेक स्टोर, और हमेशा की तरह आपके लिए दोबारा फर्स्ट टाइम इन इंडिया HK9 Ultra 2 का अपडेट आ गया है। मतलब हमारे को अभी तक की सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव अल्ट्रा 2 का आज देखने को मिल जाएगा, मतलब द बेस्ट रहने वाली है अभी तक इन मार्केट। तो क्या फीचर्स हैं, क्या ये आपको लेनी चाहिए कि नहीं, और क्या क्या आपको इसमें अपडेट्स मिले हैं HK8 Pro Max से, तो आज पूरी वीडियो देखना, डिटेल्ड होने वाली है। और हमेशा की तरह गिफ्ट बहुत रहेंगे। आज की वीडियो में फर्स्ट 10 जो ऑर्डर्स होंगे HK9 Ultra 2 के, उनको भाई मैं दूंगा आपके लिए फ्री मेटल स्ट्रैप। प्रीपेड ऑर्डर्स जो भी होंगे उनको अपना मेटल स्ट्रैप एक फ्री दूंगा। सो मेक श्योर एंड तक देखना, कैसे मिलेगा ये वो भी बताऊंगा मैं आपको, तो भाई एंड तक देखना, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। सो यहाँ पर बात कर लेते, देखिए HK9 Ultra 2 की, HK9 Pro Plus की कल हमने वीडियो डाली थी, वो सीरीज 9 का था, बट ये अल्ट्रा 2 का वेरियंट है। तो मेक श्योर आपको डिफरेंस बताओ, जो अल्ट्रा 2 होती है उसका डाई 49mm होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम ये हटा देते हैं जिसके ऊपर पैकेजिंग है, क्योंकि भाई हमारे को सब प्री चेक ही करना होता है। बाकी यहाँ पर आप देखिए, ये रही हमारी वॉच। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो बॉक्स, जैसे मैंने HK9 Pro Plus की वीडियो नहीं देखी, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वैसे ही सेम बॉक्स है, पैकेजिंग बहुत इन्होंने प्रीमियम कर रखी है, बहुत ज़्यादा डिटेल पर जाएंगे तो दिखेगा आपको डिफरेंस, शाइनी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो वही सेम आपको यहाँ पर HK9 Ultra 2 लिखा हुआ मिल जाएगा, मल्टी फंक्शन स्मार्ट वॉच लिखा हुआ, विद दैट यहाँ पर ChatGPT का ऑप्शन आ जाता है, और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन मार्केट, AI वॉच फेस, प्लेबैक रिकॉर्डिंग तक मिल जाती है। इस वॉच में आपको स्टोरेज मिल जाती है, AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। HK अल्ट्रा प्रॉपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे प्रॉपर प्लेन है, अनलाइक आपका HK9 Pro Plus जो कि 46mm, ये प्रॉपर 49mm रहेगी, ठीक है। यहाँ से भी आपका प्लेन है, यहाँ से आपका Wearfit Pro ऐप होता है। अब बात करते हैं पीछे की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपका मल्टीमीडिया प्रॉपर वो जो मिल रहा है, और फिनिशिंग भाई सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब प्रीमियम लग रहा है कि कुछ खरीदा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनबॉक्स करते हैं, ऑरेंज डॉट का मतलब है कि अंदर आपको ऑरेंज स्ट्रैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने अनबॉक्स करा, यहाँ पर आपको मैनुअल मिलती है जो कि आपको हमेशा की तरह मिलती है, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं है। HK9 Ultra 2 यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि अल्ट्रा 2 का सबसे ज़बरदस्त अभी तक का मॉडल है आपका, ठीक है, AMOLED डिस्प्ले में। और स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करेंगे, अच्छी है, बेकार नहीं कहूँगा। विद दैट आपको यहाँ पर USB चार्जर मिलता है, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है भाई। टाइप सी में काफ़ी इशूज़ होते हैं, मिडल नहीं तो अभी बाद में, तो USB लोगे बेटर रहेगा। यहाँ पर हमारी वॉच है जो कि सेम आपको अल्ट्रा HK8 Pro Max जैसा जो आया था वही सेम आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वॉच है, यहाँ से हम इसको सील ओपन करते हैं, रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, लगाते हैं स्ट्रैप। हमेशा स्ट्रैप लगाते समय आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा लगाना है, ठीक है, मतलब प्रेस करना है जिससे स्ट्रैप लॉक को इशू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करा, ये रही आपका प्रॉपर स्ट्रैप लॉक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। जो फिनिशिंग की बात करें, अच्छी फिनिशिंग है, ग्रेज उन्होंने टाइटेनियम ग्रे जो दिया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ऑन करते हैं, हमेशा की तरह देखिए यहाँ पर आपको वेलकम, HW67 अभी तक जो चल रहा है, HW67 जैसा ही चल रहा है, वही सेम आपको लैंग्वेज का। और जो 6 इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट जो है ना गाइस, बहुत ही सुपर स्मूथ है विदाउट एनी लैग। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने करा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट पेयरिंग, वही एनिमेशन HK9 Ultra 2 यहाँ लिखा जाता है, विद दैट आपको यहाँ एनिमेशन दिखाएगा। अब हमें पेयरिंग नहीं करना, तो स्किप करेंगे, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपको प्रॉपर बताएगा इस बटन से क्या होता है, एक्शन बटन से क्या होता है, यहाँ पर क्या, तो ए टू जी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब आगे हम हमारे यूजर इंटरफेस, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। दिस वॉच हैव 380 to 420 mAh बैटरी जो कि लिख रखा है, जो कि आपको बैटरी बैकअप देती है नियरली 3 to 4 days विदाउट कनेक्टिंग। कनेक्ट करते हैं तो आपको ये 2 दिन का बैटरी बैकअप देती है एट मैक्स। अभी आपको ऑन पेपर्स का बता रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट मॉडल्स है तो अभी तक एकदम इन ग्राउंड टेस्टिंग नहीं हुई इनकी, ठीक है। तो जो ऑन पेपर्स हैं बल्कि इतना दे देगी, लास्ट मॉडल भी अच्छा खासा देता था, ठीक है। अब सेकेंड चीज़, AMOLED है कि नहीं, रियल AMOLED है। हम हमेशा से कहते हैं कि अगर हम AMOLED बोलते तो वो होगी, हम ये गारंटी देते हैं इस चीज़ की। तो रियल AMOLED दिस वॉच है, हाँ ये मिलेगी आपको। थर्ड चीज, स्टोरेज है कि नहीं, स्टोरेज में मिलेगी इस वॉच में, 2 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिससे आप अपने सॉन्ग्स ऐड ऑन कर सकते हो, बट क्या नहीं कर सकते, TWS कनेक्टिविटी नहीं कर सकते इसमें। और फीचर्स आगे देखेंगे क्या क्या नया है, क्या क्या नहीं, क्या ये वॉच वर्थ इट है आपके लेने के लिए, तो आ जाइए और देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है आपको इस वॉच में। तो यहाँ पर आपको जो वॉच फेस है अल्ट्रा 2 वाला, वो भाई वर्किंग मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ये आपका पूरा है क्या बोलते हैं अपना वेदर फोरकास्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब यहाँ पर जो टैप वाला है आपका ये तो वर्किंग है, बट सम आर नॉट वर्क। हाँ सम है, मतलब ठीक आपके कई फीचर्स आपके वर्किंग है इन ऐप वाले, इन वॉच फेस ऐप वाले, बट कहीं नहीं है। तो हाँ ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि कम से कम भाई वर्किंग तो है। उसके बाद हम और वॉच फेसेस देखेंगे जो कि हमारे को नए मिलते हैं। HK9 Pro Plus में ये भी था, मतलब ये सारे वॉच फेसेस उन्होंने सिमिलर ही रखी। ये नहीं था शायद, आई गेस एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये चेंज कर सकते हो, जुपिटर वाला ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये डालोगे तो यहाँ पर ये जुपिटर वाला आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। यहाँ से डिटेल पे ध्यान देंगे, स्टार्स, मून, रोवर जो कराई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या मिल जाता है आपको। और मिलेगा आपको ये टॉकिंग टॉम वाला जिसको आप पीट सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक और वॉच फेस नया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया है। तो ये वॉच फेस में कुछ चेंजेस नहीं होते, बट ये वॉच फेस काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है मुझे। और ये तो एनिमेटेड है ही, और ये आपका वॉच फेस है जो कि सबसे लेटेस्ट है। आई डोंट नो व्हाट द यूज़ ऑफ दिस, कुछ होता होगा यार, इस पर डीप डाउन करेंगे हम लोग एक बार, सारी वॉचेस का रिव्यू हो जाए तो वो हमने करना है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप थोड़ा ना इसमें देखो, आपको लैग बिल्कुल नहीं दिखेगा। जो HW67 थी ना उसमें बस एक ये चीज़ मेरे को बुरी लगी, इसमें थोड़ा सा आपको एनिमेशन लैग मिलता है, जिटर मिलता है, जो कि इस वॉच में नहीं मिलता। शायद इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा उससे ज़्यादा, आई डोंट नो, बट इसमें वो लैग देखने को नहीं मिला मुझे। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़ एक और बताऊँ, इसमें आपको एनिमेशन ऑन, मतलब आप क्लोजिंग और ओपनिंग का भी एनिमेशन मिलती है। देखो जैसे ये जाओगे ना, बहुत फास्ट है, बट अगर स्लो मूव देखोगे तो ये दूसरी वॉचेज़ नहीं देती है। देखो ध्यान से यहाँ पर आप यू देखोगे ना, तो ये तक आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। क्यों, ये परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ होती है। अगर दूसरी वॉचेस देती है तो लैग होगा, तो सिर्फ इस वॉच में और GS मॉडल्स में आपको मिलता है, जो कि GS9 की मैंने वीडियो अपलोड करके उसमें और इसमें। बस इससे पहले HK8, HK9 किसी में नहीं आया था, सिर्फ इसी मॉडल के प्रोसेसर में है ये एनिमेशन देखने को जो मिलती है। जो कि आप ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये एनिमेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो ये चीज़ अच्छी लगी। अब बात कर लेते हैं भाई आगे। तो मैं भाई एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, वीडियोस लगातार डलने वाली है, कल भी वीडियो डलेगी, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त वीडियोस डलेगी। कंपेयर करेंगे हेलो वॉच 3 प्लस से, क्योंकि उसमें भी स्टोरेज है, उसमें भी AMOLED है। अब क्या फ़ायदा आपका ये लेने का या वो, क्योंकि पहले हेलो वॉच 3 अपनी स्टोरेज की वजह से टॉप मोस्ट आती थी, बट अब वो वॉच लेनी चाहिए कि नहीं, तो वो भी वीडियो आएगी, कंपैरिजन होगा, सेल वीडियो, दिवाली के नए नए मॉडल्स जितने आ रहे सारे स्टिक स्टोर सबसे पहले आपके लिए लेके आते हैं। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़बरदस्त सेल आएगी, ज़बरदस्त प्राइस वगैरह आपको मिलेंगे, ज़बरदस्त आपको नए नए प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर भाई याद से अपना सब्सक्राइब कर दो। सेकंड चीज़ अब आपके लिए क्या होगी कि भाई ऑर्डर कैसे करना, अभी बता देता हूँ मैं। हमेशा की तरह भाई हम फुल कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं। 300 ऑर्डर कंफर्मेशन अमाउंट होता है आपका, हमेशा पहले जो देना होता है, बाकी का आपका कैश ऑन डिलीवरी होता है, फुल COD नहीं होता। तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो ऑर्डर करने का, तो प्लीज़ पहले अपने पेरेंट्स से कन्फ्रंट करें, मतलब बात करें कि मेरे को ऑर्डर करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ट्रस्ट इशू होता है भाई, 4 यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन ऑर्डर्स ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं। हमें अभी रिसेंटली 3 से 4 ऑर्डर तो हमको बाहर के आ रखे, जर्मनी के और 2 स्वीडन के। कहोगे तो वो भी दिखा देंगे, सब चीज़ आपको एकदम लाइव प्रूफ दिखेगी। थर्ड चीज़, शॉप पे आना तो शॉप पे आके अपना बाय कर सकते हो। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड डिलीवरी है हमारी। ठीक है, इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड तक जाता है हमारा। शॉप पे आओ, शॉप से लेके जाओ। थर्ड चीज़ जो होती है आपकी, उसके बाद की ऑनलाइन ऑर्डर करना तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, EMI फैसिलिटी अवेलेबल है ऑन क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ तक होगी हमारी कैसे ऑर्डर करना, नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ से आप सारी क्वेरी इतनी क्लियर कर सकते हो। तो आ जाओ वॉच की तरफ, बहुत बातें होगी, अब सीधा वॉच पे आएंगे, कोई और आपके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वॉच का ओवरव्यू कराते, तो जो कि सबसे ज़्यादा भाई एक चीज़ मेरे को चाहिए थी चेंज करना, इन्होंने अपने अभी तक डमी होल्स ही रखे, रियल होल्स नहीं करे। अभी तक सिर्फ GS9 Ultra है जिसमें आपके रियल होल्स है बस, बट उसमें फीचर कम है, तो ये चीज़ कराएगा। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर देखिए माइक मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपका प्रॉपर वॉच के डुअल बटन। ठीक है, एक्शन बटन इज़ वर्किंग, देखते हैं, यस इट इज़ वर्किंग। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको एनिमेशन दी है, जिनको रन करने के लिए अलग से रैम चाहिए होता है, तो काफ़ी अच्छा इसमें इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है कि कोई लैग नहीं है। मेरे को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो अंदर वीडियो प्लेबैक हो रहा है, तो ये चीज़ भी अच्छी है। यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाता है, फ्लैट डिस्प्ले है। और बेजल की बात करेंगे तो बेजल अभी तक इसके, ऐसा नहीं कहूँगा कम करें, HK8 Pro Max से वही सेम बेजल है। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं करें, बट हाँ चीज़ अच्छी है भाई। AMOLED डिस्प्ले है विद दैट, आपका देख सकते हैं यहाँ पर डमी होल्स वही सेम, यहाँ भी वही। पीछे की बात करते हो, सिरामिक फिनिश देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वॉच अल्ट्रा, स्मार्ट वॉच अल्ट्रा प्रॉपर केस, 14 mm प्रॉपर रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड मैं ये भी दिखाऊंगा लगा के केस वगैरह कि कैसे आपको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं भाई हमारे वॉच की, तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, AMOLED डिस्प्ले ये मिलती है। बात करते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या, रिमाइंडर ऐप आपको ये अपना वॉच से कनेक्ट करने के बाद होगा। यहाँ पर आपका सबसे ज़बरदस्त भाई जो चीज़ है 24 आवर क्लॉक, ये सिर्फ नए वेरिएंट्स में 12 आवर क्लॉक कर दो, टाइम तक मैनुअली सेट कर सकते हो। जिनको बहुत इशू होता है सब चीज़ें मैनुअली सेट हो रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी चाहिए हमारे। बात करते हैं और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम आपका अच्छा मिल जाता है। देखेंगे हम चला कि कैसा वॉल्यूम है इसका, पावरफुल आपका ये तक प्रॉपर आपको इसमें दे रखा है कि आपको कैसा हैप्टिक फीडबैक चाहिए। तो पावरफुल करेंगे तो यहाँ पर मतलब सीरियसली बता रहा हूँ भाई, फील होता है आप जब वॉच को प्रॉपर करते हो, ठीक है। स्क्रोलर जब वर्क करते हो ना प्रॉपर, आपको लगेगा कि हाँ भाई वॉच वाइब्रेट हो रही है। डिफॉल्ट करोगे तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना आपका पावरफुल वाला आपका लगता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद एक और क्राउन टैक्टिकल दे रखा है कि यहीं आप करोगे तो प्रॉपर आपका वो आएगा, वाइब्रेट होगी वॉच, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ब्राइटनेस की, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ब्राइटनेस। HK9 Pro Plus से ज़्यादा ब्राइटनेस लगी मुझे इसकी, और मतलब इसका जो सेंसर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेटर है पुराने मॉडल से, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या आपका 24 आवर कर दो, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट लाइट ब्राइट ये कर दो, 20 मिनट तक करनी है, जबकि आपका हर मॉडल में सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। फॉन्ट साइज वगैरह ये सब सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। तो अभी हम बंद करते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेम आपकी वही है, बट एक चीज़ नोटिस करेंगे आपको पिच ब्लैक वाला आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वो चीज़ नहीं यूज़ होती, बट वैसे वॉच के अंदर एकदम डीप ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि हाँ भाई ये चीज़ इन्होंने दी है यहाँ पर। सेकेंड अब चीज़ अब देख लेते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है हमारे को अलग। क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं और माइक मेरा कम से कम अच्छी खासी दूरी पे है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई वॉइस कैसी, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ माइक भी कैसे, कितनी दूर से रिकॉर्ड कर सकता है। बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्ले करते हैं, आप यहाँ पर सुनते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मेरे को अच्छी लगा कि माइक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सेंसर्स इसके पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिए उन्होंने, मतलब थोड़ा सा भी मैं इसको रोटेट करूँ अपने आप इसका रेस टू एक काम करा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी। ब्राइटनेस मेरे को बहुत अच्छी लगी। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप वर्क कर सकते, सीरी वर्किंग है, कनेक्ट करोगे आपका सीरी और गूगल असिस्टेंट सारे काम करते हैं। कैलेंडर की बात करते हैं तो प्रॉपर आपको कैलेंडर मिल जाता है, जो कि आपको चाहिए मंथ वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो ये भी चीज़ उन्होंने अच्छी करी, मतलब वॉच को ना और ज़्यादा यूजेबिलिटी वाला बना रहे हैं। ChatGPT की बात करें, Gen 2 ChatGPT आ गया है इसमें, जो कि आज की डेट में भाई हर कोई डिमांड करता है। यूज़ मेरे को नहीं पता है, शायद आपको मैंने, बट आप लोगों को चाहिए। तो इसमें Gen 2 ChatGPT वगैरह आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। किसी ने इसका वॉच AI वाला फेस का भाई बारे में कुछ बताया तो बताना जरूर, ताकि और अच्छे से आपको। पावर सेविंग मोड तक दे रखा है वॉच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बैटरी परसेंटेज जो आपको दिखाती है वही देखने को मिलता है। गेम्स की बात करेंगे, एप्लीकेशन की मार्केट की बात करेंगे, तो वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका लूडो है, यहाँ पर आपका प्लेन वाली गेम जो आती है वो मिल जाएगी। विद दैट आपको इसमें ये तक मिल जाता है, मतलब फ्लैपी बर्ड है, और एप्लीकेशन मार्केट तक इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप फोन से कनेक्ट करोगे। अभी के लिए ओपन नहीं है, बट शायद लेटर ऑन वो आ जाए। अभी के लिए इन्होंने दे रखी है, बट वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा इंस्टॉल वगैरह भी क्लिक करोगे तो और ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे आपको, तो शायद धीरे धीरे करके ऐड करें। बट ये बहुत अच्छी चीज़ करी इन्होंने कि खुद का यूज़र इंटरफेस निकाल दिया, अच्छा है यार ये चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये मेरे को अच्छा लगा। उसमें बात कर लेते हैं इसके थीम मेन्यू स्टाइल की, तो यहाँ पर सेकेंड है वही आपका HK9 Pro Plus होता है, नया आ रखा है। आप चाहते हो तो पीछे से अपना चेंज कर सकते हो, ब्लैक पेज ब्लैक कर सकते हो, हट जाएगी यार तो और एकदम ओरिजिनल जैसी लगेगी। थर्ड आपका ये है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्मूथ है, रिफ्रेशड, और यहाँ पर आपका पीछे वो पूरा ये लाइव वाला है, ऐसा नहीं कि स्टडी है, ठीक है। फोर्थ आपका ये वाला, ठीक है, ये चीज़ देखिए पूरा एनिमेटेड है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और नॉर्मल हमारा watchOS 10 का, ठीक है, जो आ रखा है सबसे लेटेस्ट। अब यहाँ पर हमारा जो होता है सेम वही जो OS 10 में दे रखा है इन्होंने, कि ये वाला बटन स्वाइप करेंगे नोटिफिकेशन सेंटर आता है, रेस टू एक, ब्लूटूथ, बैटरी परसेंटेज, फुल डे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं वो वाला ये 20 मिनट वाला आपका। एडिट करते हो तो सेम वही आपको देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा और HK9 Pro Plus में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ओनली द डिफरेंस इज आपका डायल साइज का, ठीक है, और बैटरी बैकअप का आ जाता है, बस दैट्स इट। और मेजर डिफरेंस ये नहीं करते हैं। टेलना सेटिंग में देखते हैं क्या देखने को मिल जाता है हमारे को, क्योंकि अभी तक का हमारा वही रह गया। नोटिफिकेशन यूनिवर्सल में सबसे पहले भाई लैंग्वेज वगैरह आपका आएगा। अबाउट में जाओगे HK9 Ultra 2 देखने को मिल जाती है, तो जिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड आ गया है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस हमने सारी चीज़ें ऑन कर ही दी थी इसकी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई जिनको थोड़ा देखने का इशू होता है तो फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेना अपना, आपकी मर्जी कम और ज़्यादा कर सकते हो, ये चीज़ अच्छी है इसमें। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। साउंड सेटिंग है कि ये हमने कर ही लिया, साउंड वगैरह आपको सुनाया था मैंने, काफ़ी अच्छा। हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा जो क्राउन का हमने ऑन करा है। जेस्चर कंट्रोल ये अभी हम टेस्ट करेंगे क्या HW69 से ज़्यादा अच्छा है या सेम है, अभी इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा मेन ज़रूरी है ये, ठीक है। तो जेस्चर कंट्रोल पासवर्ड भाई लगा के मत भूल जाना, डेड हो जाएगी वॉच। उसके बाद हमारे को इसमें सबसे बढ़िया क्या फंक्शन मिलता है, आप ये दोनों बटन्स चेंज कर सकते हो। तो डाउन की डेफिनेशन आपका वो होता है, साइड की आपका ये होता है। डाउन की आपका ये वाला है, तो इसमें आप डबल टैप करोगे तो क्या खुलेगा ये तक सेट कर सकते हो, सिंगल टैप क्या करोगे तो वो तक सेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी लगी। और साइड की डेफिनेशन आप क्लिक करोगे तो आपका क्या खुलेगा, प्रेशर खोल देते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप देखिए, जब ये डबल टैप करेंगे तो आपका BP आ गया, ठीक है। उसके बाद सिंगल टैप करेंगे तो ये तो यही है। अब यहाँ पर टैप कर लेते हैं, यहाँ पर आपका प्रेशर डाल तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उन्होंने यहाँ तक और इसका भी चेंज करने को दे रखा है। तो आपको हर चीज़ में एक अलग से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और उसके बाद रेस्ट आपको पता है भाई, की डेफिनेशन आ गई, आपकी बैटरी परसेंटेज, टाइम सेटिंग, अपना आप हर एक एप्लीकेशन का एक आपको अलग से यूनिक मिल जाता है। मेन्यू थीम स्टाइल आपका मेन मेन्यू जो होगा, मेन व्यू आपका यहाँ पर सब सेट कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू दैट मेन्यू वॉलपेपर जो मैंने बताया वॉच के एप्लीकेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको अर्थ वगैरह पसंद नहीं आ रहा, कुछ और लगाना तो वो तक हो सकता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन दे रखी है इस चीज़ पर, तो ये अच्छी चीज़ है। टाइम सेटिंग, स्लीप, स्मार्ट हार्ट रेट सेंसर, बेड साइड क्लॉक, मेन्यू होगा हमारा, स्मार्ट आइलैंड। अब ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि आपको आपका प्रॉपर जो मिनी आइलैंड हो डायनामिक आइलैंड वो तक इसमें आपको जब दो चीज़ें देख लेते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वॉचेस में आजकल, डायनामिक आइलैंड और जेस्चर कंट्रोल। तो सबसे ज़्यादा डायनामिक आइलैंड देख लेते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यार इसकी जो, पहले तो मैं वॉइस बंद कर देता हूँ क्योंकि भाई कॉपीराइट का वो ना पंगा हो जाए। आपको ऐसी वॉइस बनानी, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इसकी वॉइस और कोई पंगा भी नहीं आएगा। बट डायनामिक आइलैंड का आपको जो देखना है भाई वो ये रहा आपका सामने, ये देखिए आपको थोड़ा क्लियर वॉच फेस कर देता हूँ मैं, जैसे ये वाला लगा देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एनिमेशन राम कंज्यूम करेगा क्योंकि ये छोटी विंडो भी आपकी राम दे रही है, तो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हो जाता है। तो अगर आपकी ऑन करना ऑन कर लीजिएगा, बाकी इसका यूजेज इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा। अब जेस्चर कंट्रोल की तरफ भी देखें तो इसका जेस्चर कंट्रोल HW67 जैसा, HW69 जैसा ही है या फिर उससे थोड़ा बेटर होने वाला है। तो गाइस ये हमारी HK9 Ultra 2 है। हमने डायनामिक आइलैंड वगैरह टेस्टिंग कर दी, थोड़ा फास्टर रिस्पॉन्स है हर चीज़ में इसका पुराने मॉडल्स के Ultra 2 के। अब देखते हैं इसका जेस्चर कंट्रोल कैसा है, उसका ज़्यादा बेटर हुआ कि नहीं, इंप्रूवमेंट कोई आएगी नहीं या फिर इसमें भी थोड़ा अभी भी ग्लिच वगैरह है या लैग है। ठीक है, तो कॉल करते हैं इस पर, अभी कनेक्टेड है प्रॉपरली, कॉल आ रही है। अब मैं ये करूँगा और सेव, मतलब आपको ये उठ गया, मतलब दो टाइम्स आपको यहाँ भी लग रहा है, तो मतलब सेम रिस्पॉन्स है। ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने बेटर इंप्रूवमेंट करी जेस्चर कंट्रोल में, परफॉर्मेंस में, डिस्प्ले में और इन सब में इंप्रूवमेंट आई है। बट यहाँ पर अभी भी जेस्चर कंट्रोल सेम हुई है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ में। तो ये मेक श्योर आपको ज़्यादा इससे वो ना हो, आउट ऑफ 10 टाइम्स ये 7 to 8 ही काम करेगा, 2 या 3 बार आपको ये फेल कराएगा। सो मेक श्योर अगर आपको बाय करनी हो तो इस चीज़ का आइडिया हो, इस चीज़ में परफेक्ट आपको अभी तक किसी भी वॉच में नहीं है। एनिमेशन होती है तो आपका बैटरी कंजम्पशन से लेकर सेकंड चीज़ आपकी रैम कंजम्पशन भी करता है, तो वॉच को स्लो डाउन ना करे तो आपको कम अपना ऑन रखना है, क्लोज, वो आप देख लीजिएगा। सेकंड चीज़ क्या आ जाती है इसमें, ये चीज़ उन्होंने नया फीचर ऐड ऑन करा है कि सेकेंडरी स्क्रीन सेटिंग जो है आपकी स्प्लिट स्क्रीन करनी है आपको या फिर सेकेंडरी स्क्रीन रखनी है आपको। आप देख सकते हैं हम लोग सेकेंडरी स्क्रीन हमारे यहाँ से, पहले तो चेंज करते हैं सिंपल। आप देखें यहाँ से आपको ये चाहिए, ठीक है, या फिर आपको स्प्लिट स्क्रीन चाहिए। अब यहाँ पर आपका वो प्रॉपर जो UI वाला न्यू वाला आ रखा है watchOS 10 वाला, वही सेम रहेगा आपका। सारी चीज़ें आपको वो सेम देखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। स्टैक हो जाता है और यूज़ करते तो अपने आप खोल भी देता है अपने आपको। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपको सेकेंडरी स्टाइल चाहिए कि इससे वो वाला चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ तक कर सकते हैं। स्मार्ट आइलैंड हमने एक्टिवेट कर दिया है, उसके बाद हेल्थ रिमाइंडर, पावर सेविंग मोड और वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आपको सेटिंग्स में। सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है भाई हमारा रिफ्रेश रेट वगैरह। तो अभी तक की चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि आपको विदाउट कनेक्टिंग 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है ऑन पेपर। उन्होंने बोला 2 GB की स्टोरेज है, रिकॉर्ड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स सी इसमें आपका कनेक्शन और ब्लूटूथ आपका नहीं है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन इन्होंने नहीं दे रखा पेयरिंग के लिए, तो ये चीज़ मेरे को डाउन साइड लगी कि अभी तक इसमें नहीं आया। एक प्लस पॉइंट आपको Hello Watch 3 में यहाँ तक रहता है बस। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या कंपैरिजन में कौन सी वॉच जीतती है। टिल नाउ इस वॉच में अभी तक फास्टर प्रोसेसर दे दिया है HK8 Pro Max के कंपैरिजन में, बेटर बैटरी, बेटर डिस्प्ले, बेटर फीचर्स आ गए, स्टोरेज आ गई सबसे जरूरी चीज़। तो अल्ट्रा में जिसको ये फीचर चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाता है। AMOLED में 90 हर्ट्ज़ में डुअल कोर प्रोसेसर में विद एनिमेशन वगैरह सिर्फ यही वॉच ऑफर करती है और कोई नहीं। इससे पहले जितने भी मॉडल्स आए थोड़ा लैगी है, थोड़ा जटर करते हैं, ये नहीं करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। आ जाओ एक बार पास में और देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमारे को। हम जाएंगे म्यूज़िक में, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वही जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर म्यूज़िक लाइब्रेरी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से आप अपना मोबाइल स्विच कर सकते हैं, वही सेम आपको अगर ऐड ऑन करने हैं आपके मोबाइल म्यूज़िक में तो यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो और वॉच म्यूज़िक आपको करना है तो ये प्रॉपर। तो ये चीज़ अच्छी है बट आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अभी तक वॉच में नहीं आई है, तो ये चीज़ एक डाउन साइड रह जाती है। बाकी यहाँ से भी शॉर्टकट मेन्यूज़ इन्होंने दे रखे हैं तो जिससे आप एक्सेस कर सकते हो वॉच को। वॉच का ओवरव्यू यार मुझे तो बहुत प्यारा लगा, वॉच सही में बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर के लिए क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं HK9 Ultra 2 में, ठीक है। सबसे पहले गिफ्ट्स का जैसे मैंने कहा शुरू के 10 ऑर्डर्स इस वीडियो का जो भी होगा भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो का डलते ही शुरू के सिर्फ 10 ऑर्डर बताऊंगा मैं उनको। ये 10 आपके 10 स्ट्रैप सबको ब्लैक वाला मेटल स्ट्रैप फ्री मिलने वाला, प्रीपेड ऑर्डर पे, कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं, ठीक है। ये गिफ्ट एक्स्ट्रा हमारी तरफ से शुरू के सिर्फ 10 ऑर्डर पे। तो मेक श्योर भाई नीचे कमेंट करना, पहले कमेंट करना नीचे, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप पे आना और दिखाना कि मैंने कमेंट कर दिया है व्हाट्सएप, उसके बाद आप ये फ्री ले जाना। बिना कमेंट के आपको ये फ्री नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सबसे बम्पर गिफ्ट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं देगा, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं है स्ट्रैप के, फ्री में दे रहे हैं हम लोग। अब एक्स्ट्रा गिफ्ट की बात कर लेते हैं। 5 पिस्केट 14 mm का एक केस, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई इस पर प्रॉपर फिट आएगा कि नहीं, कि जैसे हमारा लास्ट मॉडल था उसमें नहीं लगता है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा डाइस है, इसका देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने हार्ड केस है और ये अगर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा तो मतलब सारे सिलिकॉन वगैरह का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रियल बता देगा आपको। 19-20 एक तरीके से चलता है, बट ज़्यादा 21-19 नहीं चल सकता हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इवन इसमें ये तगड़ा हुआ तो फिर भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आपके होल्स की बात करेंगे तो प्रॉपर होल्स आ गए हैं, अच्छा है। यहाँ भी होल्स आ रखे हैं, क्राउन देखते हैं, वर्किंग है भाई, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, बटन भी अच्छे से वर्क कर रहा है, एक्शन बटन्स भी वर्क कर रहा है। वाह वाह यार, अच्छा मतलब प्रॉपर फिट आ गए और कहीं से भी ऐसे नहीं लगेगा भाई ज़बरदस्ती घुसा रखा है। तो प्रॉपर 49 mm डायल साइज़ देखने को हमको यहाँ मिल रहा है, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी। बात करते हैं सेकेंड गिफ्ट की, यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्लीव्स में जाता है गेमिंग जो कि 250 से 300 रुपये की है अमेजोन पे, सीरियसली। ये आपको फ्री स्क्रीन गार्ड मिल जाता है। उसके बाद अल्ट्रा 2 का स्पेशली आपके लिए स्ट्रैप ले आए हैं हम लोग, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अल्ट्रा 2 के 2-3 वेरिएंट्स आ गए आपके लिए, तो आपको फोटोज़ भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देना, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये स्ट्रैप फ्री मिलता है, तो 1 2 3 4 5 6 दे रहे हैं हम लोग। और एक अडाप्टर भी है जो कि राइट नाउ अभी नहीं है, बट हाँ अडाप्टर भी फ्री देते हैं हम लोग, तो वो तक फ्री है। तो 7 गिफ्ट शुरू के 10 ऑर्डर तक ही आपका ये रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा तो मत बोलना कि भाई ये फ्री दे रहे थे अब क्या हुआ, वीडियो लेट देखी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फ्री सिर्फ शुरू के 10 ऑर्डर्स के लिए, अगर लेट देखी तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें ऑफर आएंगे, सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले देखो वीडियो। कमेंट करके जरूर आना, बिना कमेंट के नहीं मिलेगा, नेक्स्ट बंदे को मिल जाएगा। तो अभी तक का ये था हमारा ऑफर, अच्छी लगी वीडियो सो मेक श्योर आपको पता है सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बहुत ज़बरदस्त वॉचेस आने वाली हैं अभी भी, तो सब्सक्राइब करना सबसे पहले आपको पता चले, ऐसे ऑफर्स जीत सको शुरू के 10 कस्टमर्स के लिए। तो मेक श्योर आप हिट करो सब्सक्राइब चैनल को और व्यू याद से लाइक भी करना। तो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में।